ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज गुजरात। चले आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट चालू रहा इधर जा। अरे भरता कामा चल। सभी मेहमानों का इस्तेमाल करते हैं और खास करके बाबू बाबू का शेख अब्दुल रऊफ सूफी संगवाद का जो अहमदाबाद का प्रभारी और जो आज का मेदनी का त्यौहार है हर साल जमालपुर के दरवाजा से लेके चालू हो रही है। यहाँ से लेके भरिया तक जाते हैं लोग श्रद्धा लेके मन में एक श्रद्धा के साथ जा रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए सूफी संगवाद के तरफ से हम लोग आज यहाँ स्वागत के लिए खड़ा है। संदेश एकता की संदेश देना चाहूँगा, भाईचारा की संदेश देना चाहूँगा, विकास की संदेश देना चाहूँगा, सब साथ में रहे और देश आगे बढ़े यही संदेश मेरा। मेरा नाम समीर छिपा है, मैं सूफी संवाद महाअभियान का मीडिया का इंचार्ज हूँ। जिस तरह से हर साल गुजरात के अंदर शाह महमूद साहब बुखारी साहब का जो उर्स मनाया जाता है, अहमदाबाद से लाखों की संख्या की तादाद में लोग चलते मेदनी में जाते हैं, उस प्रोग्राम के हकीकत से कौमी एकता फैलाई जाती है। और जितने साल मोदी साहब को यहाँ गुजरात में सीएम से लेकर हुए ना कोई दंगा हुआ है, यहाँ पे कौमी एकता का चारा का ये मैसेज देना चाहती है मेदनी। कौमी एकता की बात करें तो गुजरात के अंदर सूफी संवाद जो मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में सूफी संवाद अभियान स्टार्ट किया है वो कौमी एकता का प्रतीक है ही है सूफी संवाद। इसीलिए खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के और अल्पसंख्यक मोर्चा गुजरात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम मेदनी का स्वागत कर रहे हैं। Thank you.
नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी एसआर न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।